ये रंगों की सियासत है या सियासत का कोई नया रंग? शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर के निर्देशक को पीटने से शुरू हुआ विवाद अब जाकर के फिल्म के बायकॉट तक जा पहुंचा है। और सच कहे तो फिल्म के बायकॉट करने की जो शुरुआत हुई थी, अब वह सड़कों पर पहुंचते ही अपने मुकाम की ओर जाने लगी है। दरअसल शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान को लेकर मध्य प्रदेश में नया विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद में अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और सांसद साध्वी प्रज्ञा की भी एंट्री हो गई है। स्वरा ने जहां ट्वीट करके सत्ताधारी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी नेताओं से, जिन्हें अभिनेत्रियों के कपड़े को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते। उधर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी इस मामले पे अपनी बात कही है। हिंदुओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं, जब से माननीय मोदी जी का शासन आया हिंदू अपने को जागृत अवस्था में, कम से कम जीवित अवस्था में थोड़ा सा मानने लगे हैं, पर अभी भी उनको प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है, हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। भगवा हमारी, हमारे देश की आन बान शान है। राष्ट्रीय ध्वज में भी भगवा का रंग रखा हुआ है क्योंकि वह त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वह बलिदान का प्रतीक है। और इसलिए हमारे हमारे देश को, हमारे सन्यासियों को, हमारे भगवा को कभी अपमानित करने का, हमारी संस्कृति और हमारे देश को कभी अपमानित करने का प्रयास किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। और मैं ये निश्चित कहती हूँ कि उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं, और जिस तरह से भी हो सकता कानून का सहारा लूंगी, नैतिकता से उनको डांटूंगी, और अगर अवसर पड़ा तो पूरा एक आंदोलन खड़ा करके हम ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं और देंगे। हिंदू अब पीछे नहीं है क्योंकि बहुत कुठाराघात हिंदुओं ने सहन कर लिया और बहुत भगवा का अपमान सहन कर लिया। मैं एक जीती जागती तस्वीर हूँ कि भगवा को आतंक कहने वाले लोगों को जवाब दिया है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी की जी के शासनकाल में। अब ये अपमान कभी हिंदुओं का, भगवा का, हमारी संस्कृति का, वेद और पुराणों का कभी अपमान नहीं हो पाएगा। और जिसने अपमान किया, ये जो कोई भी है, जो मूवी बनाया है, जो हीरो है या हीरोइन है, अगर इस प्रकार से इसने बेशरम कहा है भगवा के रंग को, तो उनको सावधान करती हूँ, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए, क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यहीं है, खाते यहीं का, सोते यहीं है, और यहीं का अपमान करते हैं, हमारे सनातन का अपमान करते हैं। अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, और कभी भी इनकी कोई पिक्चर ना देखें। जैसे ही इनके पेट पर लात पड़ेगी ये यहाँ से भाग जाएंगे और कभी मुंह दिखाएंगे नहीं। मैम, जो पठान फिल्म है शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण उसमें एक्ट्रेस हैं, आप उस फिल्म का विरोध करेंगी मध्य प्रदेश में या देश में? मैं उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशरम बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म ना देखे। जरा भी अगर आपको अपनी, अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। ओके, थैंक यू मैम। छोटा सा कर लूं, दो सौ। भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया ने फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण के ड्रेस और गाने के बोल पर रिएक्ट किया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि जिसका हीरो शाहरुख खान और जिस फिल्म का नाम पठान, उसमें दीपिका पादुकोण जी को सजाना ही था तो हरे रंग की चुन्नियों से सजा दे। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। Thank you.
जबलपुर और भोपाल में इस फिल्म का जोरदार विरोध किया जा रहा है। विरोध में एक तरफ जहां नारेबाजी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के पुतले जलाए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प है कि आने वाली फिल्म पठान को हो रहे विवाद और बवाल किस हद तक कहां तक आगे बढ़ते हैं। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।